नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम जय बागेश्वर धाम। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आज हम जानेंगे कि स्त्री के कौन सा अंग छूने से पुरुष धनवान बन सकता है, यानी उसके घर से हमेशा के लिए कोसों दूर हो जाएगी, गरीबी और अमीरी आएगी। प्यारे दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। वह महाध्यानी थे और जब वह थे तो उनका नाम, उनकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि हर जगह, हर देशों में थी, पूरे संसार में। उनके ज्ञान की, उनकी बुद्धि की लोग प्रशंसा करते थे। चाणक्य जी ने अपनी नीतियों में भविष्य के जीवन को कैसे खुशहाल रखने के लिए अनेक नीतियां बताई हैं। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें आप करते हो या फिर वो काम करना शुरू कर देते हो तो आपका जीवन खुशियों से, धन दौलत से भरपूर हो जाएगा और गरीबी आपके आसपास कभी भटकेगी भी नहीं। भक्तों, हमारे वेद शास्त्रों में सुबह उठने के बाद ऐसे कार्य, ऐसे काम हैं जिन्हें स्त्री और पुरुष को नहीं करना चाहिए, और सुबह उठकर के स्त्री या पुरुष यह काम करता है उसे गरीब होने से भगवान भी नहीं बचा सकते हैं और ऐसे ही घर में दरिद्रता पांव पसार लेती है। आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग में आपको को बताने वाला हूं कि सुबह उठकर के कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करना चाहिए, और स्त्री का कौन सा अंग है जिसके छूने से हमारे घर के दुख दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, सुख संपत्ति धन दौलत की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सुबह उठने के बाद यदि आप शीशे में, आईने में अपना चेहरा देखते हो तो ये काम हमारे शास्त्रों में बड़ा ही अशुभ माना गया है। और यह बात मैं नहीं, आपके घर वालों ने, आपके बुजुर्गों ने कभी ना कभी यह बात आपको जरूर बताए होगी। यदि कोई स्त्री या पुरुष सुबह उठकर के आईने में अपना चेहरा देखता है तो उस घर में गरीबी आती है, और जिस घर में टूटा शीशा हो या टूटे शीशे में अपना मुख देखना, यह नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, सुबह उठकर के स्त्री या पुरुष किसी को भी अपना मुख आईने में नहीं देखना चाहिए। यदि आपके घर में कोई टूटा शीशा या आईना हो तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें। वह नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर में संचार करता है। सुबह उठने के बाद मनुष्य को अपनी परछाई को भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों में उसकी खुद की परछाई डर और भ्रम पैदा करती है। सुबह उठते ही अपनी परछाई या किसी और की परछाई देखने से मनुष्य के घर में दुर्भाग्य बना रहता है, दुख दरिद्रता आ जाता है और हमेशा उसके घर में कभी भी धन के भंडार नहीं होता, और वह व्यक्ति हमेशा संघर्ष और बुरे वक्त से गुजरता रहता है। इसीलिए सुबह परछाइयों को ना देखें। तो शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि सुबह उठते ही किसी चरित्रहीन स्त्री, चरित्रहीन पुरुष का चेहरा न देखें, वह भी बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है, क्योंकि आप उन लोगों का मुख देखोगे या उनके ज्यादा संपर्क रहोगे, उनसे ज्यादा बात करोगे तो आपके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव हावी हो सकता है। चरित्रहीन स्त्रियों के या पुरुषों के संबंध में आने से आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाता है जैसे वह होते हैं। आपके मन में भी वही विचार आने लगते हैं जैसे उनके मन में आते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। सुबह उठते ही पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को नहीं देखना चाहिए तथा चोरी करने वाले और धोखेबाज लोगों को भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, सुबह उठते ही किसी छोटे बच्चे का मूर्ख या अपने स्वयं के हाथों की हथेलियों को देखकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने पर आपका दिन में किया गया कार्य सभी सफल होते हैं और दिन में आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा से आपका शरीर भरा रहता है। रात्रि में सोते समय कभी भी आप अपने घर के दरवाजे की ओर पैर न करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। सोते समय पूर्व दिशा में पैर रख कर के सोना चाहिए, यह बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपके घर में कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और रात्रि के समय कभी भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, अच्छी तरह से खाना खाने के बाद कुल्ला करके सोना चाहिए। ऐसा नहीं करने से आपको रोग होते हैं,
घर में दरिद्रता देवी का वास होता है, गरीबी भी आने लगती है। ऐसा भी बताया गया है कि कभी भी बिस्तर पर भीगी पैर नहीं सोना चाहिए। यदि रात्रि के बाद आप पैरों को धोते हो तो अच्छे से साफ करके ही बिस्तर पर जाना चाहिए। गीले से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। सोते समय हमेशा टोपी या स्तर पर कुछ बांध करके नहीं सोना चाहिए और कभी भी निर्वस्त्र रात्रि में नहीं सोना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है तो वह बिल्कुल नंगे होकर के सोते हैं। ऐसा करने से आपके घर में गरीबी आती है और अच्छी शक्ति आपके घर से चली जाती है, नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है। आइए हम बताते हैं स्त्री का कौन सा अंग छूने से गरीबी दूर हो सकती है। आप सभी जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वेद शास्त्रों में, भारत की स्त्रियों को माता कहा जाता है, देवी का स्थान दिया गया है। हमारे देश में हर स्त्री, हर माता बहन माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती का ही रूप है। स्त्री महिलाएं अपने अपने वंश और कुल को रोशन करने वाली होती हैं। कभी वह जन्म देने वाली माँ होती है तो कभी किसी के लिए बहु बेटी होती है, तो कभी किसी की जीवन संगिनी होती है, किसी की पत्नी होती है। और स्त्री हर समय हर पल घर में खुशियां लाने वाली होती है। इसी कारण से हमारे देश में माता बहनों को माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। एक माता ही होती है जिसके कंधों पर पूरे घर का भार होता है। स्त्री ही अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं और स्त्री ही अपने घर को चला पाती है। स्त्रियों के अंदर ऐसे गुण हो सकते हैं कि उनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। स्त्रियों में एक गुण होता है, पुरुषों से कई गुना ज्यादा होता है, वह होता है सहनशीलता। लंबे समय से किसी को अपने अंदर समेटे हुए बर्दाश्त करना, और यह गुण स्त्रियों में बहुत ही ऊंचा होता है। बर्दाश्त हर आदमी नहीं कर पाता। एक स्त्री अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपना घर परिवार छोड़ करके ससुराल आती है और वहां आकर के सारे घर की जिम्मेदारी संभालती है। फिर भी लोग उसे बदले में हमेशा बुरा भला ही कहते रहते हैं और वो हर चीज को बर्दाश्त करती चली जाती है, क्योंकि विदाई करते समय हर माँ बाप अपनी बेटी को बताते हैं, बेटी हमेशा बर्दाश्त करना, झुकने वाला ही बड़ा होता है, इसलिए वह बर्दाश्त करती रहती है। सुबह होने के बाद एक पुरुष जब काम करने के लिए बाहर जाता है, हर पुरुष को अपने काम को शुरुआत करने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले, कहीं जाने से पहले अपनी माँ के चरणों को स्पर्श जरूर करना चाहिए, उन पर मस्तक जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे माँ, मैं माँ के आरण से ऊरण नहीं हो सकता, क्योंकि माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है, खुशी होती है किसी भी पुरुष के लिए, चाहे बेटा हो, कुछ भी हो, सबकी माँ होती है। और स्त्री का यह अंग बहुत ही पवित्र है, यह हर पुरुष छूना चाहिए। जब कोई स्त्री आपके घर में पांव रखती है तो उसके साथ साथ आपके घर में लक्ष्मी भी आ रही है। जो पुरुष अपनी माँ के चरणों स्पर्श करता है, उन्हें अपने मस्तक पर रखता है, उस पुरुष का भाग्य ही बदल जाता है। उसके सभी दुश्मनों का, सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता जिसके ऊपर माँ की कृपा और दुआ होती है। गरीबी बहुत दूर चली जाती है, नष्ट हो जाती है। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान और आदर भाव और प्रेम करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ विदा लेना चाहेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में ये थी कुछ खास जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम अवश्य लिखें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।